हाय गाइस, मेरा नाम है गैरियन। वेलकम टू वी मेक श्योर। सो आज हम अनबॉक्स एंड रिव्यू करेंगे बेहद ही खूबसूरत वॉल क्लॉक को, जो कि एक्सोर्स ब्रांड की तरफ से एक अमेजोन का ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। इस क्लॉक की खासियत ये है कि ये एक नॉन टिकिंग क्लॉक है। इसके अलावा अगर इसकी खासियत की मैं बात करूँ तो ये एक टू लेयर वुडन क्लॉक है, जिसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का फ्रेम नहीं है, यानी कि एक फ्रेमलेस और ग्लासलेस क्लॉक है। और अगर इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये मुझे अमेजोन से 799 का पड़ा, तकरीबन 800 रुपये का। एक वॉल क्लॉक के लिए 800 रुपये एक अच्छी खासी जो है रकम हो जाती है, तो क्या ये रकम इसके लिए वर्थ है जिसका इवन फ्रेम ही नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, फुल यूट्यूब पे इस ब्रांड की और सिमिलर वॉच या क्लॉक यूट्यूब पे अवेलेबल है ही नहीं, तो ऐसी यूनिक वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, बिकॉज वी मेक श्योर। सो फाइनली आफ्टर द वेट ऑफ 7 to 8 days हमें हमारा पार्सल रिसीव हो चुका है। तो हमेशा की तरह मैं ब्लेड से इसको ओपन कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया है कि बच्चों की पहुँच से ऐसे शार्प ऑब्जेक्ट्स हमेशा दूर रखें। मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे रेगुलरली अनबॉक्सिंग्स करनी होती हैं। और ये रहा हमारी वॉल क्लॉक का फर्स्ट लुक, इसको नहीं कह सकती एक्चुअली, पर यह अमेजोन की पैकिंग को मानना पड़ेगा, काफ़ी अच्छी पैकिंग की हुई है। डन होने की वजह से इसको एक एयर फिल पैकिंग की गई है, जिसकी वजह से ये गिरेगी भी तो इसको किसी भी तरह का प्रकार की जो है लॉस नहीं होने वाला, टूटने वाली नहीं है। तो ये रही इसकी फर्स्ट लुक, ये कुछ ऐसी दिखती है, तो देखने में काफ़ी स्लिम और खूबसूरत दिख रही है। और शाइनिंग भी इसमें काफ़ी ज़्यादा लग रही है, जो कि होनी भी चाहिए, 800 रुपये की क्लॉक है आफ्टर ऑल। तो देख लीजिए आपको ये कैसी लग रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि फ़र्स्ट लुक आपको इसका कैसा लगा। तो जल्दी से इसको मैं अनरैप करके आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि ये एक्चुअल में कैसी दिखती है। तो इसके पीछे भी मुझे एक पैकेट सा जो है स्टिक किया हुआ नज़र आ रहा है। आई थिंक ये इसकी जो है सुइयाँ होंगी इसकी। तो अनरैप करने के बाद ये हमें कुछ ऐसी दिखती है। सो हियर इज़ इट्स फर्स्ट लुक आफ्टर कंप्लीट अनरैपिंग। तो यहाँ पे अब अगर ध्यान से मैं देखूँ या आपको दिखाऊँ तो मुझे यहाँ पे इसकी जो शाइनिंग अभी तक दिख रही थी वो मिसिंग है, और पीछे इसके जो पैकेट है उसमें मोस्ट प्रॉब्ली इसकी जो सुइयाँ रहती हैं वही होंगी। तो वो आपको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये फर्स्ट वॉच मैंने ऐसी देखी है जिसकी सुइयाँ अलग से जो है दी जाती हैं, तो ये मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। मैं पंजाब से हूँ इसलिए इनको यहाँ पे सुइयाँ कहा जाता है, बट मोस्ट प्रोबली इनको कांटे भी कहा जाता है, तो मैं कांटे कह के ही इसको जो है प्रोनाउंसिएशन करूँगा। तो कांटे लगाने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आर्स का कांटा लगाया, उसके बाद मैंने मिनट्स का कांटा लगाया, और सबसे ऊपर मैंने सेकेंड्स का कांटा जो इसका फिक्स कर दिया। इसे फिक्स करना बहुत ज़्यादा ईजी था। जो टू लेयर इसको बताया गया कि टू लेयर इस तरह से है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसकी डिस्क्रिप्शन में इसको टू लेयर बताया गया है। तो टू लेयर अब ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट इसकी जो लेयर ये ब्लैक वाली है, और सेकंड लेयर इसकी जो वुडन लेयर है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। अगर इसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, और आफ्टर बैटरी ये कुछ ऐसी लगती है, तो दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और इसकी जो विड्थ होगी तकरीबन कुछ 2-3 सेंटीमीटर के करीब होगी। तो आप ध्यान से देख लीजिए आपको ये कैसी लग रही है। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, बस शाइनिंग थोड़ी सी मुझे इसमें जो है लैग नज़र आ रहा है इसके प्राइस के अकॉर्डिंग। तो इसका जो वेट है वो 450 ग्राम्स का है, और इसकी जो विड्थ या मैं हाइट बोलूँ, क्योंकि ये राउंड शेप है तो हर जगह से सेम ही होगी, जो कि 30 सेंटीमीटर्स की है, तो ये काफ़ी डिसेंट सा साइज़ हो जाता है। और आपको दिखाने की कोशिश करूँ इसकी जो मैं विड्थ, मैं जैसे कि आपको बता चुका हूँ 2-3 सेंटीमीटर। और बैक से ये कुछ ऐसी दिखती है, बट आफ्टर हैंगिंग किसने ही देखना होता है, बैक से ये कुछ ऐसी दिखती है। और अगर मैं आपको नज़दीक से इसकी जो टेक्सचर या फिर शेडिंग दिखाने की कोशिश करूँ, जो कि वुडन टेक्सचरिंग की गई है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। ऑब्वियस ही बात है, पीछे से किसने ही देखना होता है आफ्टर दीवार पर लगाने के बाद।
तो बात कर लेते हैं इसकी मैकेनिज्म की या इसकी मशीन की, जो कि एक वॉच का हार्ट होता है। और आपको बता दूं मैं यहाँ पे कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग इसकी मशीन की जो की गई है वो क्वार्ट्ज के द्वारा की है। क्वार्ट्ज एक कितना बड़ा ब्रांड है हम सब जानते हैं, और इसकी वारंटी जो है हमें 1 साल की मिल जाती है। अगर मैं आपको क्लॉक की जो मशीन दिखाने की भी कोशिश करूँ तो आप यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली जो है विजिबल है कि क्वार्ट्ज की तरफ से ये बनाया गया है या फिर मैं कहूँ कि मैन्युफैक्चर किया गया है। तो एक्सोर्स वॉच का सॉरी क्लॉक का ब्रांड है, बट इसकी जो मेन जो इसका हार्ट है वो क्वार्ट्ज की तरफ से इसको लगाया गया है, या फिर मैं कहूँ कि 1 साल की वारंटी के साथ आता है, जो हाँ बिल्कुल आप इसको निश्चिंत होकर ले सकते हो। जो वारंटी क्लेम कैसे करनी होती है, अगर 1 साल में आपको प्रॉब्लम आ जाती है तो YouTube में काफ़ी आपको हेल्पफुल वीडियो मिल जाएंगी, तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे बताने की ज़रूरत है। बट ये ऑनलाइन आप इजीली घर बैठे कर सकते हैं। तो आपको कैसी लगी ये वॉल क्लॉक? मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, मैं इसको 5 में से 4 स्टार दूंगा। 1 स्टार इसलिए ताकि क्योंकि मुझे इसमें थोड़ी सी शाइनिंग कम लगी, और जिस हिसाब से इसका प्राइस है उसके मुकाबले इसकी शाइनिंग मुझे बस थोड़ा सा लैग लगा। इसके अलावा मुझे ये क्लॉक बेहद ज़्यादा खूबसूरत लगी, और मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस, और हाँ आपको मैं ये बात बता दूँ ऐसी वीडियोस ये यूट्यूब पर फर्स्ट है। इसके इससे पहले इस क्लॉक की कोई भी वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। तो जल्दी से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। तो थैंक यू सो मच।